कोरोना के इस काल में स्वयंसेवी व समाज सेवी संस्थाएं विभिन्न माध्यम से सेवा करने में जुटी हुई हैं। आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइजेशन करने के लेकर जरूरतमंदों को मास्क व सैनिटाइजर सहित अन्य सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने के लिए कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर बिलासपुर के माध्यम से रोजाना दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार ब्रह्म कुमारी बिलासपुर सेंटर की टीम पौष्टिक आहार युक्त भोजन अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही है। गत दिवस जब ये टीम खाना लेकर अस्पताल पहुंची तो चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने ब्रह्म कुमारी का आभार प्रकट किया और अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से इस खाने को कोविड मरीजों तक पहुंचाया। ब्रह्म कुमारी बिलासपुर सेंटर से आई टीम की प्रभारी रीना ने बताया कि उन्होंने संकल्प लिया है कि कोरोना की स्थिति में कोविड मरीजों के लिए कुछ किया जाए और इसी के चलते वे अब कोविड मरीजों को खाना मुहैया करवा रहे हैं। जी अब बताएंगे। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी रीना बहन यहाँ बिलासपुर सेंटर में रहती हूँ और ये अनीता दीदी साथ में है। हम दोनों बहनों को संकल्प आया कि जो वर्तमान समय चला हुआ है कि कोरोना जो पेशेंट यहाँ पे उनके लिए हम कुछ करें, तो थोड़ा सा सेवा का संकल्प लिया। तो हम दोपहर का खाना यहाँ लेके आते हैं और साथ में इनको बुक्स भी दे रहे हैं हमारी जो मंथली आती है, ताकि ये वहाँ फ्री भी होते हैं, थोड़ा टेंशन में भी होते हैं, ताकि वो पढ़ के इनको शांति मिले और अंदर से पावर मिले। और जो मेन ये खाना है, ये परमात्मा की याद में बना हुआ खाना है, जो मेडिटेशन करके हम खाना बनाते, ताकि हमारे जो यहाँ भाई बहन रह रहे हैं उनको इस खाने से और भी शक्ति मिले और जल्दी ठीक होकर अपने घरों में जाएं। ओम शांति। शुभकामनाएं।